Good morning, students. Welcome here. As you know, that we have already discussed as what is agriculture and the classification of agriculture also as a primary, secondary, and a tertiary. And also the concept of agriculture is a primary economic activity. So it is our third concept of this chapter, types of farming. कि आखिर खेती जो है कितनी तरीके की होती है. नाउ इट्स टू टाइप्स, मेन टू टाइप्स, सब्सटेंस एंड द कमर्शियल. फर्स्ट, द एनवायरमेंट कंडीशन सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी वेरी नॉट ओनली फार फ्रॉम रीजन टू रीजन बट ऑल्सो टाइम टू टाइम. एज यू नो दैट एनवायरमेंट इज द मेन फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चर. आपने देखा है कि जो भी वातावरण बहुत बड़े एरिया की जरूरत नहीं होती है.
स्मॉल लैंड की आवश्यकता होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव एंड द सिंपल टूल, यानी जो उनके जो टूल्स होते हैं, जो उनके औजार होते हैं कृषि में जो काम आते हैं वो सिंपल टूल्स होते हैं, कोई आधुनिकरण वाले नहीं है, जो पुराने टूल्स थे वही चीज़ों को कोई यूज करता है। द वर्क ऑन द फार्म इज डन मोस्टली बाय द ह्यूमन वर्कर, और ज़्यादातर जो कार्य है वो लोगों के द्वारा ही किया जाता है ना कि मशीनों के द्वारा। इन सब हॉट एंड ह्यूमिड रीजन कुछ क्षेत्रों में जो गर्म क्षेत्र हैं, फार्मर आर इन द पोजिशन ऑफ रेज मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा फसलों को बोता है फ्रॉम द सेम फील्ड, एक साल में उसी जमीन पर वो एक से ज़्यादा फसलों को बोता है। मीन्स कोई चार महीने की क्रॉप होती है तो कोई छः महीने की क्रॉप होती है, जो चार महीने की होगी उसको वो तीन बार भी हो सकता है, यानी तीन फसलों को वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, और जो छः महीने वाली होती है उनको साल में दो बार वो राइस कर सकता है, दो बार वो प्रोडक्ट कर सकता है। राइस इज द मेन, जो चावल है वो मुख्य फसल है। ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन, अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशन के कारण जो वीट है, मेज है, पल्स है और ऑयल सीड है वो ग्रो होते हैं। इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, ये उन जगह वगैरह जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी अधिक होती है, स्पेशली इन द मानसून रीजन ऑफ एशिया। एशिया में जहाँ पर मानसून रीजन होता है, जहाँ पर बारिश के आसार ज़्यादा होते हैं, पानी की अधिकता होती है फसलों को, वहाँ पर इन फसलों को बोया जाता है। सो द सेकेंड इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। वॉट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन? शिफ्ट करना, एज वर्ड इज नोइंग द मीनिंग दैट इज शिफ्टिंग। वॉट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग? शिफ्टिंग इज द वर्ड दैट शिफ्ट टू वन प्लेस टू द अदर, कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं, मीन्स परिवर्तन कर रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से, वो बदलाव कर रहे हैं। इट इज द मोस्टली प्रैक्टिसाइज फॉर नोमैडिक प्राइमेटिव पीपल हु लीड अ मेजोरिटी ऑफ द नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ मीन्स एक जगह से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में इधर से उधर जाना। इट इन्वॉल्व द रोटेशन ऑफ फील्ड, ये इसी तरह से चक्र है फील्ड का, जैसे क्रॉप का, जिस तरह से आप आते हैं फिर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दो चार महीने में वहाँ पर आ जाते हैं, तो इसी तरीके से ये क्रॉप का रोटेशन है कि एक फसल बोई, उसके बाद छः महीने बाद या साल भर बाद फिर दोबारा से उसी जगह पर बोलिए, लेकिन छः महीने के बाद आपको एक और शिफ्ट हो गए। इसी तरह से तो ये फसल है ये शिफ्ट हो गई, यानी दूसरी फसल आ गई इसी जगह। ऑल दिस रीजन हैव इंपॉर्टेंट ह्यूमिड क्लाइमेट, ऐसी जगह पर थोड़े गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। नॉर्मली अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड द बर्निंग ऑफ ट्रीज, पहले इनको कटिंग किया जाता है, फिर अच्छे से इसको साफ कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है इस फसल को, जिससे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, दूसरी फसल के लिए वो तैयार हो जाए। द एशेज आर मिक्स्ड इन द सॉइल, और जो राख होती है, जो फसल जलाई गई है, जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। द मेन क्रॉप प्रोडक्ट आर मेज पोटैटोज, और जो मेन क्रॉप इस तरह से बोई जाती है वो मेज पोटैटोज यम एंड कसावा ऑल्सो। आफ्टर टू और थ्री क्रॉप्स, दो या तीन फसलों के बाद द लैंड बिकम इनफर्टाइल, अब वो उपजाऊ नहीं रहती, वो उपजाऊकरण उसके अंदर नहीं रहता। द प्लॉट इज न्यू वन ऑफ द सेलेक्टेड, अब कोई नई भूमि की तलाश की जाती है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसी सिस्टम को बोलते हैं स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन एज अ डिफरेंट नेम, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है अलग अलग जगह पर। ईस्ट इंडिया में इसको जूम बोलते हैं, इंडोनेशिया में इसको लैडिंग बोलते हैं, अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं, और फिलिप्स में इसको कैलगिन्स बोलते हैं, वेटिनम्स में रे बोलते हैं, और ब्राजील में रूपा बोलते हैं, और हमारे इंडिया में इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं। सो दीज आर कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग एज द इंटेंसिव फार्मिंग एज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो इट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट द व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।